मुस्लिम हिस्ट्री में लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था, कोऑर्डिनेट ऑफ टू पॉइंट्स ए एंड बी आर 3, 4 एंड 5 माइनस टू, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट पी, पी ए इज पी बी एंड एरिया ऑफ पी ए बी इज 10. आंसर दीजिए. आंसर आ गया. जी सर. यहाँ पे हमारे पास क्या है, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ टू पॉइंट्स ए बी आर 3, 4 एंड 5 माइनस टू, रेस्पेक्ट फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पी ए इज इक्वल टू पी बी.
तो पी जो आप कंसिडर करेंगे वो कंसिडर करेंगे एक्स वाई। थोड़ी सी चीज देर में आप करेंगे, आपको डिस्टेंस दिया हुआ पी ए इज इक्वल टू पी बी। तो अगर आपको पी ए इज इक्वल टू पी बी दिया हुआ है, डिस्टेंस फॉर्मूला अंडर रूट में होता है, तो जब भी आपको डिस्टेंस इक्वल दे दे आप कंसिडर कर लो पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर। तो पी हमारा है 3 4, ए हमारा है 3 4, पी हमारा है एक्स वाई, तो इसमें बनेगा एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर y माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर। सर ये हमारे पास बनेगा, तो सर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x y स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x वाई स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4y। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, 16 प्लस 9 25 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास रह जाएगा माइनस 6 प्लस 10 यानी कि 4x, और हमारे पास रह जाएगा माइनस 8 माइनस 4 तो माइनस 12y, और हमारे पास रह जाएगा इज इक्वल्स टू 4। अगर आप इस इक्वेशन को सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास रह जाएगा एक्स माइनस 3y इज इक्वल्स टू 1। तो ये लीनियर इक्वेशन है। अब इसमें अगर आप पहली बात तो ये एक्स वाई जो ऊपर आंसर दिए हुए हैं 7 2 है, 1 3 है, 4 5 है, 1 2 है, तो आप यहाँ एक्स वाई की वैल्यू रख के चेक कर सकते हैं कि कौन सी वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। जैसा अगर मैं एक्स को यहाँ 7 रख दूं और वाई को मैं 2 रख दूं तो मेरा 1 आ जाएगा, तो ये हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, तो यही हमारा आंसर। लेकिन चेक कर लो क्या कोई और आंसर इसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। 1 रखने से और माइनस 3 रखने से 1 नहीं आ रहा, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। 4 रखने से और 5 रखने से भी नहीं आ रहा है 1, और 1 और 2 रखने से भी 1 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब एक ही ऑप्शन है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो यही हमारा आंसर। तो हमें आगे अपनी ताकत लगाने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर यहाँ पे कुछ और भी होता जो इसको सेटिस्फाई करता तब हमें जरूरत हो जाती कि हम दूसरी कंडीशन लें। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये है कि जो एरिया है वो हमारा 10 दिया हुआ है। तो अगर एरिया 10 दिया हुआ है तो एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2। एक्स वन हम एक्स ही ले सकते हैं, यहाँ पे मैंने आपसे कहा था सिक्वेंस में रख लिया कीजिए एक्स, तो फिर वाई का गैप आएगा यानी कि वाई माइनस 4। दूसरा x जो होगा वो 3 होगा, फिर y का गैप आएगा तो y होगा माइनस 2 माइनस y, फिर हमारे पास x आएगा, x हमारा होगा 5, फिर y का गैप आएगा वो होगा y माइनस 4, और वो इज इक्वल टू हो जाएगा 10। 2 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे वो आएगा 20, और यहां से जो हमारे पास आएगा ये हमने यहाँ पहला वाला गलत लिख दिया x, ये होगा 4 माइनस माइनस प्लस 2 x, और ये आएगा 4 माइनस माइनस प्लस 2, फिर दूसरा हमने सही किया 3 माइनस 2 माइनस y सही किया, 5 y माइनस 4 सही किया, तो यहाँ से ये हो गया हमारे पास 20, और ये हो जाएगा 4x, 4 प्लस 2 6x, और ये हमारे पास हो जाएगा माइनस 6 और माइनस 3y, और ये हमारे पास आएगा 5y एंड माइनस 20,
इज इक्वल्स टू, ध्यान रखिएगा प्लस माइनस, जब भी मॉडुलस हटाते हैं तो प्लस माइनस 20 आता है। तो आपके पास कितना आ गया ये 6x, और माइनस 3 प्लस 5 कितना आ गया 2y। अगर हम प्लस ले लें तो हमारे पास क्या आएगा माइनस 26, और इधर हमारे पास प्लस 20 है तो ये भी प्लस 46, तो हमारे पास आएगा 3x प्लस y इज इक्वल टू 23। तो ये दूसरी इक्वेशन आ गई। अब इसमें भी आपके पास यही है कि आप या तो दो इक्वेशन बन गई आपके, अब सॉल्व कर लीजिए, x माइनस 3y इज इक्वल टू 1 एंड 3x प्लस y इज इक्वल टू 23। तो x y को सॉल्व कर लीजिए जैसे आप सॉल्व करते हो, ठीक है, लीनियर इक्वेशन में। अदरवाइज इसमें भी अगर आप वैल्यू रखोगे 7 और 2, तो x की वैल्यू 7 रखो 21 हो जाएगा, और y की वैल्यू 2 रखो तो 2 हो जाएगा। तो 3 इंटू 7 प्लस 2, इसकी वैल्यू भी 23 आ रही। तो इस तरह से आपको करना है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो हमारा जो आंसर है वो है 72। वो हमारा पहली इक्वेशन से ही आ गया था। लेकिन इस चीज का भी ख्याल रखना है कि जब क्वेश्चन हमारे पास ऐसा हो कि जिसको पता है कि हम सॉल्व कर लेंगे लेकिन उसमें हमें टाइम लगेगा, तो उस क्वेश्चन को पहले सॉल्व नहीं करना, क्वेश्चन को सबसे लास्ट सॉल्व। सर क्वेश्चन देखते पता चल जाएगा, आप इसके पास कोई शॉर्टकट नहीं है कि आप शॉर्टकट से इसे सॉल्व कर दें। बस एक शॉर्टकट यही था कि एक इक्वेशन बना ली, उसको सेटिस्फाई कर लिया, चेक कर लिया कि हाँ ये आंसर है। तो उस तरह के क्वेश्चंस को हम क्या करते हैं कि जब हमारे सारे क्वेश्चंस हो जाएं, हमने देख लिया कि अब ज्यादा नहीं कर सकते, तो फिर इस तरह क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। क्योंकि अगर इसको आप शुरू में ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो ये कम से कम दूसरे 5 क्वेश्चंस का टाइम कंज्यूम कर लेगा। ये भी आपको एक आइडिया रखना है कि जो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं, प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस होते हैं जिनमें लगता है कि मैं उलझूंगा, तो वो सबसे लास्ट में करना। पता चला ये हमने लिया 5 मिनट, और जो इससे आगे आगे क्वेश्चन थे वो छोटे छोटे से थे, वो 5 सेकंड 10 सेकंड में हो जाते, तो ये ध्यान रखना है। समझ में आ गया सब बच्चों को? यस सर। कल भी इसी को किया था लास्ट क्वेश्चन, तो आप लोगों ने सॉल्व क्यों नहीं किया? चल ये एक तरह से टेस्ट चल रहा है आपका, पहला क्वेश्चन किसी ने रिप्लाई नहीं, थोड़ा सा जल्दी से रिप्लाई किया। ये बताइए जल्दी से, 1 मिनट है आपके पास। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 2018 में ये क्वेश्चन आया। सर बी नंबर ए। सर ए दो बच्चों का आंसर आया है, एक बच्चे ने ए बताया है, टू इज टू 7 दो बच्चों का आंसर आया। यस सर, टू इज टू 7 ए। देखिए आपसे क्या कह रहा है यहाँ पे, द रेशियो इन विच द पॉइंट माइनस 4-6 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग -6-10 एंड 3-8। ठीक है, तो अगर आपसे रेशियो कहता है तो रेशियो होता है k इज टू 1।
अगर रेशो के इज टू वन होता है और आपके पास यहाँ पे क्या है, एक्स की वैल्यू भी गिवन है, वाई की वैल्यू भी गिवन है, तो आप कोई सा भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, एक्स या वाई, ठीक है। तो अगर एक्स हमारा माइनस फोर है तो माइनस फोर इज इक्वल्स टू के को मल्टीप्लाई करिए थ्री से, थ्री के, वन को मल्टीप्लाई करिए माइनस सिक्स से, माइनस सिक्स अपॉन के प्लस वन, ठीक है। x इज इक्वल टू एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन अपॉन एम वन प्लस एम टू, आपके सामने इतना ही लिख के दिखा रहा हूँ जितना एग्जाम में हमें जरूरत होनी चाहिए, तो इस चीज की प्रैक्टिस करें आप लोग। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस फोर के माइनस फोर इज इक्वल टू थ्री के माइनस सिक्स, के हमारे पास इधर आएगा तो सेवन के हो जाएगा, फोर हमारे पास इधर आएगा तो माइनस टू हो जाएगा, तो माइनस कैंसिल, k इज इक्वल टू 2 बाय 7, दैट इज द रेशियो माइनस 2 7 k इज इक्वल टू 2, इज दिस क्लियर? मेरा रॉन्ग हो गया, एक बार और बता दीजिए है जी, एक बार और बता दीजिए। हां जी, बस एक बार और बताने का मतलब तो ये है कि आप लोग अभी शॉर्ट कैलकुलेशन की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, कोशिश वो करिए जैसे आपको एग्जाम में करना है। कैसे करना है एग्जाम में? जैसे अभी किया, अदरवाइज तो क्वेश्चन तो ये था कि हमारे पास ये पॉइंट है माइनस सिक्स टेन और ये पॉइंट है थ्री माइनस एट, इसको एक और पॉइंट है माइनस फोर सिक्स, वो किस रेशो में डिवाइड कर रहा है ये आपको फाइंड करना है। अब ऐसे करके बताऊं तो समझ में आ ही जाएगा कि हो क्या रहा है, लेकिन ये वाली पिक्चर दिमाग में अगर होती तो ज्यादा आसान रहता। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है x, x इज इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। तो कोई मुझे बताएगा x की वैल्यू क्या है? यहाँ पे देखो ध्यान से, x भी गिवन है और y भी गिवन है, तो आप कोई सा भी फॉर्मूला ले सकते हैं। माइनस फोर, तो यहाँ पे जो x है वो हमारा माइनस फोर है, m1 कितना है हमारा, k, k, k को किससे मल्टीप्लाई करोगे, थ्री, थ्री से, वन को किससे मल्टीप्लाई करोगे, माइनस सिक्स है जी, माइनस सिक्स, इससे क्या आएगा एम वन प्लस एम टू। अब समझ में आया या अभी नहीं आया? यस सर, अब आ गया सर, आया। तो आपसे यही कह रहा हूँ ना, ये जो पिक्चर मैंने बनाई है ये आपके जहन में होनी चाहिए, तो ज्यादा टाइम मतलब नहीं आप कंज्यूम कर तो सकते हैं कि भाई ऐसे पॉइंट्स रखिए, रेशियो रखिए, फिर सॉल्व करते हैं, लेकिन अच्छा है कि आप कैलकुलेशन वन और टू लाइन में ही कर लें। चलो एक क्वेश्चन हो देख, ये 2017 का क्वेश्चन है। Find the ratio in which the line segment joining A 1 minus 5 and B minus 4, 5 is divided by the x-axis. Sir, A answer. 1 is to 1. Very.
और कोई बच्चा है? सर 1:1. वेरी गुड. और कोई? सर ए. यस सर ए. वन इज टू वन. अगेन आपसे कह रहा है फाइंड द रेशियो इन विद द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स. यहाँ अगर हम बात करें तो ये हमारे पास लाइन सेगमेंट है. किसको जॉइन कर रहा है? 1-5 को एंड -4, 5 को. और डिवाइड किससे हो रहा है? एक्स एक्सिस से. तो अगर एक्स एक्सिस से डिवाइड हो रहा है तो एक्सिस डिवाइड नहीं करती है, पॉइंट डिवाइड करेगा जो एक्स एक्सिस पे होगा. और x एक्सिस पे जो भी पॉइंट होता है उसके लिए y जीरो होता है. ठीक है, इसको अगर मैं आपको प्रॉपर बनाऊं कि सर ये x एक्सिस कैसे होता है, ये हमारे पास y एक्सिस है, ये हमारे पास x एक्सिस है. एक तरह से हमारे पास एक पॉइंट है 1-5. तो 1-5 जो होगा वो हमारे पास कहीं यहाँ होगा, 1-5 अगर मैं आपको एग्जैक्ट बताऊँ. और एक पॉइंट है हमारे पास -4, 5. तो -4, 5 कहीं यहाँ होगा ऐसे. और ये हमारी लाइन जारी होगी. अगर ये लाइन जारी होगी तो यहाँ पे ये वाली एक्स एक्सिस हमें कट कर रही है, इस लाइन को वाई एक्सिस भी कट कर रही है. वाई एक्सिस से भी पूछ सकता है क्वेश्चन. तो अगर x एक्सिस से कट कर रही है तो x एक्सिस का जो पॉइंट होगा वो x, 0. तो लेकिन आपको इसके इतनी एग्जैक्ट फिगर बनाने की जरूरत नहीं, आपका काम तो सिर्फ इधर वाली फिगर से हो जाएगा. भाई हमारे पास क्या है, हमारे पास ये जो फिगर हमने बनाई है ये वाली, हमारे पास क्या है यहाँ पे y जीरो है. तो जो y जीरो और y का फॉर्मूला लिख दीजिए, y = जब आपको रेशो निकालना होता है तो रेशो आप लेते हैं k:1. अब आपने फॉर्मूला लिया है y का तो k को मल्टीप्लाई करिए 5 से, ये हो जाएगा 5. 1 को मल्टीप्लाई करिए -5 से, ये हो जाएगा -5 अपॉन आएगा k+1. तो ये तो पूरा जीरो ही हो जाएगा. तो आपके पास क्या आएगा, 5k-5 = 0 या 5k = 5 या k = 1. तो अगर k 1 है तो हमारा जो रेशो है वो है k:1. तो रेशो होगा 1:1. तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है. क्वेश्चन और देखिए जरा. The ratio in which the line segment joining the points -3, 10 and 6, -8 is divided by -1, 6 is. ये आपसे कह रहा है. 2:7. ये भी किया भी था शायद हमने.
यही क्वेश्चन था ना? यस सर, यही क्वेश्चन था। ये था ये 2016 का क्वेश्चन। The ratio with the line segment joining the points -310 and 6-8 divided by -16। तो रेशियो आएगा केस टू। आप एक्स का फॉर्मूला लिखिए या वाई का लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो -1 इज इक्वल टू 6k-3 अपॉन k+1। तो आपके पास क्या आएगा? -k-1, 6k-3। तो k इधर आके 7k और 3 इधर आके 2। तो रेशियो इज 2/7। इतनी फास्ट आप कैलकुलेशन कर सकते। ज्यादातर ईयर्स में एक ही क्वेश्चन आ रहा है। 2019 में दो क्वेश्चन आए हैं और 2016 में भी दो क्वेश्चन आए। एक क्वेश्चन और देखिए। आपसे कह रहा है ए बी सी डी आर द वर्टिसेस ऑफ क्वाड्रेटर देन द एरिया ऑफ द क्वाड्रेटर ए बी सी डी इन स्क्वायर यूनिट्स। हमने ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना सीखा है तो हम क्वाड्रेटर का एरिया कैसे फाइंड करेंगे ये बताइए। जो हमारे इसको ट्रायंगल में डिवाइड कर देंगे और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे बाय 2। कैसे करेंगे? पहले तो जवाब थोड़ा ही दिया। आंसर दीजिए जल्दी से। ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है, आपसे कह रहा है इसका एरिया बताइए। यहाँ बस आप इतना कर सकते हैं कि इस क्वाड्रिलेटरल को टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कोई सा भी एक डायगोनल आप ड्रॉ कर दीजिए ए सी या बी डी, तो आपके पास क्या आएगा? ये इस तरह से ट्राइंगल बन जाएगा। तो एक ट्राइंगल होगा ए बी सी और एक ट्राइंगल होगा एडीसी। दोनों का एरिया अलग अलग फाइंड होगा और फिर उसको ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो एबीसी का एरिया निकालिए। सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है हाफ -4, -5 and -2, फिर -3 and -2, +2, फिर +3 and -2, +5। ये होगा एबीसी का एरिया। एबीसी तो ये कितना आया? -5 + 2 is -3। -3, 4 = 12। ये हो गया 12। फिर ये आएगा 0। कैंसिल। 5 - 2, 3, 3, 3, 9, 21/2। हमारे पास बचा एडीसी। एडीसी हो गया -4। तो आपके पास आ जाएगा 3 - -+2।
थ्री माइनस माइनस प्लस टू, फिर आपके पास आएगा टू, फिर आएगा माइनस टू प्लस टू, ये फिर जीरो हो जाएगा, फिर आएगा थ्री, और थ्री के बाद आएगा माइनस टू माइनस थ्री। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से भाई की दुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। बस मैं वो रिन्यूअल के लिए आया ना आजकल, वो तो कहना दो बिजनेस का आपको दे दीजिए, तो वो रिवॉल्वर का लाइसेंस के रिन्यूअल, तो एक तो उसकी आईडी को दीजिए आप। अच्छा, इनका एक वाल साहब का ले लिए। हाँ, मैंने कॉपी दूँ। हाँ, ये माशाल्लाह सही हो गया भाई, बैठे बैठे मैं क्या करें सर, चार महीने में मुझे तीन चार महीने मुलाकात हुई जी, सब खैरियत है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है आपके करम है। वो पासपोर्ट की तरह बना दिया भी ना जी, पासपोर्ट की तरह जैसे पासपोर्ट की रिन्यूअल होती है ना। नहीं अच्छा है, हाँ चलो बेहतर है हमारी तरफ से कर लो, मगर एक साल में हो रहा रिन्यूअल, एक साल में एक दिन में होता था, ऑनलाइन कर दिया ना इन्होंने। बच्चे कहाँ घर में, ये नाना नानी क्या सुन रहे तो आने में कोई परेशानी तो नहीं है आपको? नहीं बस वो बनवाई, क्या नाम है, पास पास बनवाया। अच्छा अच्छा, अगर डीएम से परमिशन ली तब। अच्छा माशा, फोटो कॉपी हो तो भेजो कोई कोई दे। हाँ बस बस आसानी रहे आपके लिए। अब बच्चों के लाज ऐसे ले रहोगे आप? हाँ जी बस यही चलता है, सोना सोना हो गया था बिल्डिंग, पूरी बिल्डिंग में नहीं नहीं था बस अकेला, सारा खाली हो गया। अरे ये भी चले गए थे, ये भी तीन दिन पहले साहब भी। हाँ इकबाल साहब भी अपने साइन मार दिया उन्होंने। हाँ कहने भाई हम भी नहीं है वहाँ बिल्डिंग में अकेला छोड़, बिजली वाला चाहिए कोई हो तो। अच्छा हमारे दामाद ने भी कराया वाला। मुझे पता ना भाई, हमें तो पता बना बना लगा कि क्या होगा तोड़ के बनाने में। हाँ वही खर्चा जी जी चार पाँच दिन हॉस्पिटल में रहा हूँ, बहुत सीरियस हो गया। आप लोग की दुआ है, बच्चों की दुआ है, बहुत ज्यादा ब्लड ज्यादा हो गया।
12 बजे का तो टाइम है सर, 28 होगा। हाँ भाई, तो हमारे पास इसका एरिया कितना आएगा? 3 + 2 = 5, 5 + 4 = 20 माइनस 35। ये जीरो हो गया, ये कितना हो गया आपके पास? 5 + 3 = 15 -15। ठीक है भाई, -15। ये हम मॉडुलस इसीलिए लगाते हैं कि माइनस भी प्लस हो जाए, क्योंकि एरिया और डिस्टेंस पॉजिटिव होता है। तो ये हो गया 35/2। आपके पास एक आया है 21/2 और एक आया है 35/2, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा? 56/2। और 56/2 कितना होता है? 28। तो आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 2016 में था, क्वेश्चन दो क्वेश्चन आए, तो 16, 17, 18, 19 किसी के पास कोई डाउट हो सरफेस एरिया में से? सॉरी, देखो इस तरह से क्वेश्चंस ढूंढते रहते हैं। मैं एक चीज दिखाऊंगा आपको, इसलिए डिवाइस करने का फायदा भी होता है। 2016-17 में पेपर अलग अलग हुए थे, 11 साइंस का पेपर अलग हुआ था और डिप्लोमा का पेपर अलग हुआ था। तो ये देखिए 11 साइंस में ये क्वेश्चन आया, डिप्लोमा पहला क्वेश्चन 11 साइंस का था और ये 2016 में एमई में जो डिप्लोमा हुआ था उसका क्वेश्चन। Coordinates of two points Q and R respectively. P is any point, PQ is PR. So that area of triangle PQR is 20 square units. तो आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन अभी कब आया था? ये 2016 का क्वेश्चन है, लेकिन 2019 में सेम क्वेश्चन था जो हमने ऊपर किया हुआ है। उसमें एरिया कितना दिया हुआ था? 10 था। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस क्वेश्चंस की, लेकिन लेटेस्ट मैंने आपसे कहा था दिस लास्ट 5 इयर्स क्वेश्चन, ज्यादा नहीं। हाँ, इंडो इस्लामिक जो होता है जीके वाला पोर्शन, उसमें इस्लामिक हिस्ट्री आती है, तो वो आप कभी तक कभी कर सकते, बट करंट जो साइंस और मैथ्स की बात करें वो बस लेटेस्ट पेपर ही करा के, सिलेबस जब चेंज हो जाता है फिर उसकी कोई अहमियत नहीं रहती। सर एक क्वेश्चन में डाउट है। अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, देखो यहाँ पे पिछले जो हमारे पास 2019 का क्वेश्चन था उसमें एक ही आंसर आया हुआ था, यहाँ दो ऑप्शन आए हुए, ध्यान रखिए। दो ऑप्शन का मतलब ये होता है कि जब आप एरिया इज इक्वल टू 20 रखोगे तो एरिया इज इक्वल टू 20 एक बार प्लस में रखोगे और एक बार माइनस में, तो दो इक्वेशन बनेगा। अगर दो इक्वेशन बनेंगे तो सॉल्यूशन भी दो ही आएगा, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इसको बता भी दूंगा कि क्यों दो दो आंसर आ रहे हैं, पहले आप सॉल्व करो। जी बोलो, क्या डाउट्स है? सर पीडीएफ का 6 नंबर है, सर पीडीएफ भेजे थे ना कोऑर्डिनेट का, उसका 6 नंबर। पीडीएफ कौन सा भेजा था? द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 3, 7 एंड 8, 9। जी क्वेश्चन बोलो। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 3, 7 and 8, 9। Yes sir, this one. Distance नहीं निकल रहा इसमें। Distance formula क्या है बेटा?
सर डिफरेंस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ वाई स्क्वायर, बट ऑप्शन में दे नहीं रहा जो मेरा आंसर आया, इस वजह से। 3 minus 8, 5 का स्क्वायर 25, 7 minus 9, 2 का स्क्वायर 4। हाँ, ऑप्शन में ये नहीं था सर, इसलिए अंडर रूट 29 आया मेरा भी। ऑप्शन तो गलत हो सकता है। हाँ, इसलिए बस पूछ लिए। Any other doubt किसी भी बच्चे को? नहीं सर, बस इतना ही। ठीक है जी। क्वेश्चन 9 नंबर भी। क्वेश्चन बोलो बेटा। The distance between the point A cos 35 degree and 35. A cos 35 degree. Zero. Haan. And zero A cos 65 degree is. Zero. A cos 65 is. A cos 65 degree. जी. इनका distance निकालना है. तो डिस्टेंस जो हमारे पास होगा वो होगा अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन ए कॉस 35 माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस जीरो माइनस ए कॉस 65 का स्क्वायर, ये हमारे पास होगा। तो हमारे पास क्या आएगा, जीरो से तो कुछ होगा नहीं, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर 35 प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर 65, ये हमारे पास हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। A square common yes, sir, हो गया। क्या आ गया आंसर? Yes. आंसर क्या A आएगा? A नहीं आएगा ना, प्रॉब्लम तो यही है इस क्वेश्चन के साथ, कंफ्यूज नहीं होना। A square को आप अंडर रूट से बाहर ले सकते हो, तो अंदर रह जाएगा cos square, cos square 35 plus cos square 65। ठीक है, यहाँ सर A आंसर हो जाएगा। A नहीं आएगा बेटा जी, अंदर रह जाएगा cos square 35 plus cos square 65। तो इसका आंसर यही है। तो वहां एक ऑप्शन होगा none of these, तो none of these हमारा आंसर होगा। होता क्या है असल में, ये जो एंगल दिए हुए हैं, अगर ये एंगल कॉम्प्लीमेंट्री होते, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है इनका सम अगर 90 होता तो ये 1 हो जाता, बट इनका सम 90 नहीं है, इनका सम 100 है, तो इसलिए सॉल्व नहीं होंगे। मतलब अगर यहाँ cos square 65 की जगह cos square 55 होता तो ये चेंज होके sin square 35 हो जाता और cos square theta plus sin square theta 1 हो जाता, तो ये 1 नहीं होगा, ध्यान रखना, क्योंकि इनका सम 90 नहीं 100 है, इस वजह से। ठीक है जी, तो इसका ऑप्शन none of these होगा, ए नहीं होगा। प्रैक्टिस कर लीजिए, कल इंशाल्लाह फिर कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सर उसका आंसर शीट होगा, मैं भेजता हूँ, देखता हूँ कौन सा। यस सर, ग्रुप में सेंड कर दूँ। मैं भेजता हूँ। ठीक है, ठीक है, अस्सलाम वालेकुम सर।